साहब, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? समाज में बेटियों की हालत हमारे लिए चिंता का विषय। महिलाओं और बच्चियों के प्रति अन्याय हो रहा है और उनकी परवाह ही नहीं है हमें। इस घटना से मैं निजी तौर पर बेहद आहत हूँ, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि दिल्ली सरकार उस बच्ची के इलाज का पूरा खर्च वहन करेगी, साथ ही बच्ची को बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं भी दी जाएंगी। समझ रहे हैं आप? नमस्ते अंकल जी, सिमरन, सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस। माफ करना बेटा, घुटने जवाब दे दे, खड़ा नहीं हो पाऊंगा। कोई नहीं, इस सेंट्रो की ऑनर की डिटेल चाहिए, थोड़ा अर्जेंट है। गाड़ी कहाँ पे मिली? पुलिस रेड पे। कल रात ना? सुना मैंने, वो हाईवे के पास वाला चकला छूट गई ना हिरासत से वो औरत। अरे तो फिर तू अपना टाइम क्यों खराब कर रही है? फिर तो अच्छा अंकल जी, टाइम खराब करना होता ना तो ये ड्यूटी ज्वाइन ना करती। तो बेटे फिर तो तुझे फौज में होना चाहिए था, तूने पुलिस की ज्वाइन की। चल थोड़ी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, मैं इसके रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स निकाल के फ़ोन करता हूँ तुझे। और हाँ, तूने फ़ोन किया सिर्फ इसलिए। ठीक है अंकल जी। शादी किसने कराई तुम्हारी? सुनीता के घर वाले कहाँ से हैं? हम घर के बैठे हैं, बाहर से बात करो मैडम। अरे सुनीता गरीब घर की थी, हमें दया आ गई, हम शादी करके अपने घर ले आए। पर आप लोग क्यों पूछ रहे हो उस औरत के बारे में? अरे वो हमारा ट्रैक्टर चढ़ा गई, अरे आप लोग हमी से सवाल पूछ रहे हो? जो घर का मामला है अपने आप सुलझ जाएगा, आप जाओ जी जाओ। संभाल के, ये दिल्ली पुलिस का मामला है ना? ना बिल्कुल नहीं, यो जाति मामला है, घर की बात। अरे यो पूरे गांव की इज्जत का मामला है, कर इस बात को न्यू ही जाने दिया, समझ रहे हो? कर इस बात को न्यू ही जाने दिया तो और औरतों का भी दिमाग खराब होगा। हैं? अरे उसने हमारा ट्रैक्टर जला दिया, इसका तो जवाब उसको देना पड़ेगा। ताला तोड़ दे मैडम सर। अरे भरी रात में किसी की किवाड़ तोड़ दे? बिना सर्च वारंट के तलाशी ले सकते हैं? अरे भाई घना कानून सिखावे।